brief introduction about uh, shri Pawan gupta ji he graduated from iit delhi and after graduate, graduation straight away he went to mountains actually mountains he has uh, over 30 years of experience in uh, uh, education he is inspired by indian systems indian culture gandhiji and uh, buddhism he believes that uh, english has become barrier for understanding or created the gap between people and uh, the country. He along with his wife, uh, uh, Miss Anuradha Ji, they have established an institution that is uh, uh, Sid the Society for Integrated Development of Himalayas. So now we would like to hear from him on humanization of education. Pawan please. Bhai, I I would like to ask your permission. Can I speak in hindi वुड all right yeah you will not have a problem no. ah. मैं इसलिए हिंदी में बात करना पसंद करता हूँ कि जब मैं बहुत तैयारी करके नहीं आता तो हिंदी सरल हो जाती है मेरे लिए बात करने में ये भी एक कारण <laughs> मैं आपके साथ मेरे कुछ अनुभव बांटूंगा जो पिछले तीस बत्तीस साल में शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के साथ काम करते हुए मुझे अनुभव हुआ और अब मैं बहुत बारीकी से जब हमारी दुनिया को देखता हूं तो वो अनुभव के साथ जोड़ता हूं तो कुछ उसमें से जो परेशानियां और कुछ बातें निकल के आती हैं वो आपके साथ साझा करूंगा मुझे लगता है कि जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो उसको कंटेक्शुलाइज करना बहुत जरूरी है उसको अपने संदर्भ में देखना होगा और मैं जिस संदर्भ को लेके आपसे बात रखूंगा वो भारत का संदर्भ है मुझे ये लगता है कि ये देश की जो परेशानियां हैं और देश की जो यूनिकनेस है उसको ध्यान रखना होगा कुछ दिन पहले ही मैं सो, सोच रहा था कि दुनिया के हर देश में एक एलीट क्लास होती है भारत में भी है और हमेशा रही है सोवियत रूस में भी पुराने वाले सोवियत रूस में भी एलिट क्लास थी चीन में भी एलिट क्लास है तो एलीट हर जगह होता है लेकिन भारत का जो एलिट है जिसमें हम सब आते हैं ये थोड़ा अलग है ये अलग किस मायने में है कि दूसरी जगह के एलीट शायद सत्ता के नज़दीक जरा ज़्यादा होते हैं कुछ पैसा वैसा उनके पास ज्यादा होता होगा लेकिन हमारे यहाँ का एलिट जो है उसमें एक और गुण है कि वो अपने साधारण लोगों से पचासी नब्बे परसेंट लोगों के वो उनकी जिंदगी और इनकी जिंदगी में बहुत तरह के फर्क हैं लेकिन एक बड़ा फर्क आ गया है कि हम कल्चरली भी एलियनेट हो गए सांस्कृतिक रूप से हम बिल्कुल एलियनेट हो गए धर्मपाल जी का ये सोवा साल है आप में से बहुत लोग उनका नाम से वाकिफ है मैं उनके एक पुस्तक को सबसे ऊंची किताब उनका काम मानता हूं भारतीय चित्त मानस और काल उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि ये सदी हमारी सदी तो नहीं है ये सदी हमारी सदी नहीं है ये इस सेंस में भी देखा जा सकता है कि हम पिछड़े हैं और हमको अभी आगे होना है इसलिए हमारी नहीं लेकिन धर्मपाल जी ने इस सेंस में बात नहीं की है वो ये कह रहे हैं कि ये जो बना है ये पूरा जो मॉडल बना है ये जो पैराडाइम है वो हमारा नहीं है वो हमारी दृष्टि से नहीं निकला है ये जो बात है इसको अब हम इससे जो, मैं इससे जोड़ता हूं कि ये जो हमारा एलिट क्लास है वो किसी और सदी में रहने लगा है और हमारा जो पिचासी नब्बे परसेंट बहुजन समाज है वो किसी और सदी में रहता है वो दुनिया को दूसरी तरह से देखता है इस गैप को मुझे लगता है कि हमको फिल करना होगा इसको जोड़ना होगा जो यहां से स्टूडेंट निकलते हैं जो एलिट क्लास के सदस्य बन जाते हैं अगर मैं उनकी भी बात करूं तो उनका वो जुड़ाव बना रहेगा अगर है तो बना रहे और अगर नहीं है तो उसको जोड़ना इसमें मैं आपको एक और बात क्योंकि मैंने भी यहाँ ट्रिपल आई में एक दो सेमेस्टर कुछ पढ़ाया और कई बार बीच बीच में छोटी मोटी क्लासेस लेता था तो एक दिन मुझे एक चीज स्ट्राइक की कि यहाँ के बच्चे उनके जो भाषाई संसार है उनकी जो लैंग्वेज की दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है और वो सिर्फ ट्रिपल आई की बात नहीं है वो सारी पूरे देश की बात है जो हमारे बीटेक और मेडिकल कोर्सेज में जो लोग जाते हैं सोशल साइंसेज में भी शायद ऐसा हो कि उनका भाषा ही संसार वो जो भी भाषा वो बोलते हैं वो ये मानते हैं कि हमको अंग्रेजी आ गई पर मैं मान मुझे लगता है उनको अंग्रेजी नहीं आती 99 परसेंट लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो उनका संसार नहीं बनता है वो बोल लेते हैं काम चलाने के लिए लेकिन सारे अंग्रेजी के शब्द और जो दूसरी भाषा वो जानते होंगे उनके शब्द को अगर मिला लिया जाए तो मेरा अनुमान है मैं दो तीन लोगों से बात किया हूं तो अनुमान ये है कि तीन से चार हजार शब्दों से ज्यादा की उनकी दुनिया नहीं रही भाषा भाषाई संसार इन बच्चों की और इनके माँ बाप या इनके दादा दादी उनका भाषाई संसार शायद पांच हजार से आठ हजार शब्दों का होगा तो दरअसल ये दुनिया सिकुड़ गई है जो जिनकी सेल्फ इमेज यह है कि हम पढ़ लिख कर के हमारे दादा दादी या हमारे माँ बाप से हम कहीं आगे निकल गए हैं ये जो आगे निकल गए हैं इनकी भाषा की दुनिया छोटी हुई है और अगर भाषा की दुनिया छोटी हुई है तो हम ये कल्पना कर ही सकते हैं कि इनके सोचने का दायरा इनकी कल्पनाशीलता में भी उसका असर जरूर पड़ा होगा इस पे हमारा ध्यान मुझे लगता है जाना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बात हम कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई ये बात है। एक ये बात दूसरी बात ये कि एक बार यहीं पे ट्रिपल आईआईटी में राजीव भाई के आ, सहयोग से मैंने एक दो की शायद बात है हम लोगों ने एक भारतीय भाषाओं पे एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे और उसमें एक बहुत सुंदर बात निकल के आई उसमें ये बात वो मैंने कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मेरा आशय ये था कि दिल्ली के कुछ एनसीआर और हमारे कुछ बुद्धिजीवी दिल्ली के उन लोगों में ये एक चर्चा हो रही थी कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच में उतना ही फासला है जितना कि एक भारतीय भाषा और दूसरी भारतीय भाषा के बीच में है फॉर इंस्टेंस तमिल और हिंदी के बीच में जो दूरी है वो उतनी ही है या उसी तरह की करीब करीब है जैसी हिंदी और अंग्रेजी या तमिल और अंग्रेजी के बीच और ये भाषा ये बात मुझे कहीं खटकी थी तो इस इस बात को लेके ही इसी चीज को लेकर के वो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज की थी और उसमें एक बहुत ही अनायास एक चीज निकल के आई जो मैं आपके बहुत सारी चीजें वो बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी।, थी उसमें एक, एक जो जरूरी बात निकल के आई जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो बात हम कर रहे हैं उससे संबंध वो रखता है कि सभी भारतीय भाषाएं इंक्लूडिंग तमिल मैं तमिल नहीं जानता पर उसमें ये बात निकल के आई कि तमिल को लेकर के जितनी हमारी भाषाएं हैं जितनी हमारी बोलियां हैं उनमें एक उनका जो वाक्य निर्माण है वो एक खास प्रकार से होता है जैसे वहां हर चीज होती है अगर आप मुझे कोई काम सुपुर्द करें कि पवन तुमको ये काम करना है और मैंने वो काम कर लिया और आप पूछे कि क्या हो गया तो आप पूछेंगे क्या काम हो गया और मैं बोलूंगा हाँ काम हो गया अंग्रेजी में मैं बोलूंगा यस द वर्क हैज बीन डन तो ये हमारे यहाँ चीजें होती है शादी होती है बच्चा होता है बारिश होती है काम हो जाता है सभी भाषाओं में तमिल में भी और अंग्रेजी में सब कुछ किया जाता है तो ये करने वाली संसार अंग्रेजी का संसार और हमारी जो भारतीय भाषाओं का संसार होने वाला संसार ये होने वाला संसार कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम असल में करता नहीं है हम उपादान कारण नहीं है हम अगर हैं भी तो निमित्त कारण है ये जो डिस्टिंक्शन है हमारे यहाँ कारणों के बीच में उपादान और निमित्त मुझे लगता है ये कहीं कही ना कहीं उस बात से जुड़ा हुआ है कि मैं काम हो गया मैं उपादान कारण नहीं हूं ये भाव हमारे सं हमारी पूरी भारतवर्ष में ये ये भाव व्याप्त है और कम से कम वो 85 परसेंट दुनिया में ये भाव व्याप्त है ये जो पंद्रह परसेंट या दस परसेंट ये जो दुनिया है इसमें ये दुनिया अब ना इधर की रही ना उधर की रही क्योंकि ये अंग्रेजी वाली दुनिया हो गई और ये अंग्रेजी वाली दुनिया करने वाली दुनिया है और वो कहीं ना कहीं इनके डीएनए में वो होने वाली दुनिया भी साथ साथ चल रही है तो मुझे लगता है ये एक तरह का स्किजियोफ्रेनिया में रहते हैं ये जो हमारा एलीट क्लास है जिसमें मैं भी हूं ये ये तो किसी मनोवैज्ञानिक को इस पर शायद शोध करनी चाहिए कि इसका असर कहां, कहां और कैसा कैसा होता है मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण असर है इसको मैं इस बात से जोड़ता हूं कि जब मैं शुरू शुरू में पहाड़ों में मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया तो छह सात आठ महीने के अंदर ही वहां की महिलाओं ने मुझे कह, ये कहना शुरू किया था कि ये आपकी जो शिक्षा है हमको बर्बाद कर रही है हम न घर के रहते हैं न घाट के ये भी वो इस ये ना इधर के ना उधर के और उसने फिर एक बहुत जरूरी बात कही थी कि आप बच्चों को होना सिखाओ दिखना दिखाना मत सिखाइए आपकी शिक्षा दिखना दिखाना सिखा रही है तो ये जो दिखना दिखाना है ये मैनिफेस्टेड दुनिया की बात है और होने होना सिखाओ ये होना जो है ये इनविजिबल दुनिया ये अंदर की दुनिया है और दिखना दिखाना बाहर की दुनिया है तो ये जो शायद हमारा पिचासी परसेंट संसार है वो होने वाली दुनिया का संसार है और ये जो हम बच्चों को बना रहे हैं पढ़ा लिखा करके ये विली नहीं ये दिखने दिखानी दुनिया वाले बन जाते हैं तो इनका पूरा फोकस एक्सटर्नल होता है और इसी से इतने भयंकर रूप से इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है इसमें कि हर आदमी अपनी पहचान हर पढ़ा लिखा आदमी अपनी पहचान खोजने में लगा हुआ है और अपनी पहचान का मतलब है मैं दूसरों से कुछ अलग दिखूं कैसे भी किसी भी तरह से वो मैं त्याग करके अलग दिखूं वो मैं कुछ अदक अधिक कमा के अलग दिखूं या मैं कोई बड़ा नाम करके अलग दिखूं पर मैं अलग दिखूं और फिर जब हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये बैठता नहीं असल में मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे दादा की दुनिया कैसी थी मेरे दादा अगर आप उनसे पूछते कि भाई तुम कौन हो तो उनका जवाब मैं में नहीं होता उनका जवाब हम में होता हम यानी मैं मैं नहीं बोलते वो हम लोग इस गांव में इस मोहल्ले में इस जगह रहते हैं इस कुटुंब के हैं इस जाति के हैं इस गांव के हैं वगैरह वगैरह तो ये जवाब होता वो हम वाला जवाब होता और उनको लगता कि मैंने ठीक जवाब दिया है और जिसने जवाब पूछा उनसे सवाल पूछा उसको भी लगता कि वो सैटिस्फाइड होता कि यह ठीक जवाब मिला है लेकिन आज मेरा बच्चा अगर ये जवाब दे तो ना तो पूछने वाले सेटिस्फाइड होगा ना उसको लगेगा कि कुछ मैंने जवाब दिया है तो ये जो हम हम से मैं की दुनिया में हम आ गए हैं ये मैं वाली दुनिया में क्या संबंध बन सकते हैं ये मेरा एक प्रश्न है एक सीरियस प्रश्न है कि एक तरफ इंडिविजुअलिज्म और भयंकर इंडिविजुअलिज्म मतलब ये अब छोटे से बच्चे में ये आ जाता है और ये अगर हम देखें तो ये स्टेट को भी यही सूट करता है मॉडर्न स्टेट को और मॉडर्न मार्केट को भी यही सूट करता है कि मैं की पहचान बने हम वाली पहचान में कंजम्पशन हो उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि जहां जहां समाज है मैंने जहां मैं पहाड़ के जिस समाज में मैंने काम किया वहां दिखावे को अच्छा नहीं माना जाता आज भी नहीं माना जाता आपके पास पैसा हो तो भी एक हद के बाद दिखावे को गलत समझा जाता है पर जहां जहां समाज टूटने लगा ये शहरों में हम देख ही सकते हैं छोटे शहर बड़े शहर गाँव में भी अब तो जहां जहां समाज टूटता है वहां व्यक्तिवाद बढ़ रहा है व्यक्तिवाद के बढ़ने का मतलब ही है कि समाज टूट रहा है और ये सूट कर रहा है क्योंकि स्टेट को इसलिए सूट करता है क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट को चुनौती नहीं दे सकता समाज स्टेट को चुनौती दे सकता है क्योंकि समाज में एक सेल्फ रिलायंस है रेजिलियंस है तो ये बातों को हम अगर वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो इसको मुझे लगता है कि फैक्टराइज कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा और शायद इसमें हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि इसमें यह लग सकता है कभी कभी हमको कि हम क्या कर सकते ये तो आज जमाने की हवा है लेकिन जमाने की हवा को तो चुनौती देने का काम हो होता ही है ना अलग अलग तरह से इसमें भी दिया जा सकता है मुझे ऐसा लगता है एक और बात जो हमारे यहाँ की खास है और वो रोग पुराना है वो है कि मैं आपको 1827 की एक छोटी सी बात पे ले जाता हूँ बहुत लोगों को मालूम होगा लेकिन सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए कि 24 में 1824 में बैरकपुर में एक बड़ा सिपाही विद्रोह कलकत्ते के पास हुआ था और उसको अंग्रेजों ने काबू कर लिया था किसी तरह से पर वो काफी घबराए हुए थे क्योंकि सिपाही विद्रोह से हमेशा वो घबराते थे तीन साल के बाद चौबीस के तीन साल बाद एटीन में Bentic, एक चिट्ठी लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंग्लैंड में और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि नाउ देर इज नथिंग टू वरी बिकॉज़ द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड लिविंग हिज वेज एंड विद द मनी दस सेव्ड ही स्पेंडिंग दैट मनी आइदर टू इमिटेट अस और टू एंटरटेन अस तो ये बेंटिक का ये ऑब्जर्वेशन है ये पढ़ा लिखा भारतीय अपने तौर तरीकों को छोड़ करके अब हमारी नकल करने में लग गया है और वो तौर तरीकों को भी वो अंडरलाइन करता है क्या कौन से तौर तरीके उनके तौर तरीकों में वो एक चीज को खास अंडरलाइन करता है वो है कि यहाँ पे दान दक्षिणा देने की जो परंपरा है उसको क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में शायद दान दक्षिणा साधुओं को फकीरों को वगैरह वगैरह दिया जाता है तो उसको अब ये देना बंद कर रहा है मैं ये कह ये जो रोग नकल वाला रोग ये आज कम नहीं हुआ है हमको लगता है कि कम हुआ है पर मुझे लगता है कम नहीं हुआ उसके दो प्रमाण मैं आपको देता हूँ एक बहुत बहुत मुझे तो वो सीरियस लगता है कि जब दिल्ली बंबई कलकत्ते बैंगलोर हैदराबाद का लड़का या लड़की एक फटी हुई पैंट दस हजार रुपये में खरीद के चलता है तो वो उसका इसको हमको समझना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है। क्या ये कोई रैशनल डिसीजन है या ये कुछ और है और अगर ये कुछ और है तो ये क्या हो रहा है ये नकल करने की जो प्रवृत्ति है ये अब इतनी बढ़ गई है कि ये दिमाग में भी घुस गई है इन द सेंस कि मैं ये पाता हूं और इस पर मैं बहुत इलेबरेट नहीं करूंगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा मैं उससे बचना चाहता हूं कि विचारों का भी फैशन हो गया है आज के दिन मैं मैंने कई युवाओं से बात की है और उनके उन्होंने ज्यादा सोचा समझा नहीं है लेकिन वो कई चीजों के बारे में कुछ विचार रखते हैं लिबरलिज्म के बारे में सेक्युलरिज्म के बारे में इत्यादि इत्यादि और जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं पाता हूं कि कुछ बहुत ज्यादा जानते भी नहीं है चीजों को कई लोगों का विरोध करते हैं कई चीजों का विरोध करते हैं उसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है वो सही है या गलत है वो एक अलग बात है परंतु उनके दिमाग में ये चीजों को वो दिखाते हैं कि हम इस विचार के लोग हैं ज्यादा सोचा हुआ नहीं है तो ये यहां तक घुस गया है कपड़ों से लेकर विचार तक ये अपने आप हो रहा है ज्यादा इसमें सोचा ओचा नहीं जा रहा है परंतु उनकी सेल्फ इमेज अपनी ये है कि हम बहुत रैशनल बीइंग्स हैं इसको हम एड्रेस करें वैल्यू एजुकेशन के थ्रू या इस प्रॉब्लम को हम इग्नोर करें क्योंकि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है गांधी जी उस जमाने में एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है कई बार गांधी वांग्मय को अगर आप उठा के देखें तो एक बार नहीं कई मर्तबा उन्होंने कहा है कि हमारा पढ़ा लिखा वर्ग डरपोक है डरपोक और वो डरपोक को कई जगह उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है डरपोक से क्या मतलब है उसमें एक ये भी है कि हम नकलची हैं और ये नकल के पीछे कहीं डर भी है माने सिर्फ नॉट जस्ट टू बिलोंग बट टू फॉल इन लाइन ये भी उसमें है तो ये आज तक भी कहीं ना कहीं किसी विकृत रूप में किसी टेढ़े मेढ़े रूप में बदलते हुए स्वरूप में आज भी है कि नहीं है ये मुझे लगता है हमको थोड़ा बारीकी से जांचना चाहिए क्योंकि इससे कोई हम ज्यादा कॉन्फिडेंट समाज या कॉन्फिडेंट लोग नहीं हो रहे तो वैल्यू एजुकेशन में कुछ बातों को मैं सजेस्ट मेरा मैं करूंगा मुझे लगता है ये चीजें आनी चाहिए बहुत मामूली है लेकिन ये आई नहीं है आज के पढ़े लिखे समाज में कुछ अपवादों को छोड़ बाय बाएं लार्ज जो हो रहा है कि आज के बच्चे में नॉलेज और इंफॉर्मेशन का भी भेद साफ नहीं है माने आप जनरल नॉलेज की किताब बेच रहे हैं दुकान में और उसमें नॉलेज की एक लाइन भी नहीं है सारी की सारी किताब में सिर्फ इंफॉर्मेशन है बट किताब के पन्ने पे जनरल नॉलेज लिखा हुआ है यह एक मैसेज देता है और यह एक पूरे पूरी पीढ़ी को भ्रमित करता है तो ये जो भेद है इसको एड्रेस किया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है उसी तरह ट्रुथ क्या है और फैक्ट क्या है फैक्ट इज नॉट ट्रुथ फैक्ट तो तथ्य है अभी अभी यहाँ का तापमान 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन शाम तक बदल जाएगा ये एक फैक्ट है फैक्ट सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन ट्रुथ फॉल इन दैट कैटेगरी नहीं ये डिस्टिंक्शन भी हमारे बच्चों को साफ नहीं है इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रुथ फैक्ट कुछ भी तो होता क्या है अभी आप देखिए कोविड जो हुआ हमारा जो जिस जिस अन सो कॉल्ड अनएजुकेटेड समाज है उसको इतना डर नहीं लगा पर जितना जो पढ़ा लिखा था उस समाज में हमारे आईआईटी के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं मैं तो दंग रह जाता था कि उनकी क्या धारणा है कोविड को लेकर और आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि 2020 में मैं खोज रहा था तो हमारी नॉर्मल डेथ रेट इंडिया में है 7.3 टू 7.4 परसेंट कहीं 7.3 लिखा है कहीं 7.4 लिखा है पर थाउजेंड उसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो वो करीब करीब 27,500 लोग प्रतिदिन मरते हैं इस देश में ये आएगा 27,500 एप्रोक्सीमेटली 2020 में टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू मैंने थोड़ा सर्च किया 81 वन लैक्स आप 81 वन लैक्स को अगर आप पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो 22,200 के आसपास आता है तो 2020 में 22,200 लोग प्रतिदिन मरे एवरेज में जबकि उसके पहले 27,000 से ऊपर लोग मरते थे यानी एक्चुअल डेथ कम हुई है 2020 में 21 का भी आंकड़ा आया नहीं है अब ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि भाई कोविड से कितने मरे उसमें कोई लोग बोलते ज्यादा मरे कम मरे वो हो सकता है पर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इतना बड़ा फर्क तो ये एक्चुअली लोग कम मरे हैं 2020 में बहुत बड़ी तादाद में कम मरे हैं यानी एक करोड़ से ऊपर लोग मरते हैं साल में और बीस में इक्यासी लाख लोग मरे हैं तो इसमें कहीं तो हमारे को दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि मामला क्या है कोविड और नो no कोविड किसी भी कारण से मरे पर एक्चुअली कम मरे तो इसका मतलब एक प्रश्न मेडिकल साइंस पे खड़ा होना चाहिए इस देश में पर नहीं हो रहा और मेरे से अगर वर्ल्ड का फिगर भी लिया जाएगा तो कुछ ऐसा ही आएगा ये जो मानते हैं हम लोग हमारा पढ़ा लिखा समाज ही इन चीजों को ज्यादा मानता है जो हमारा पचासी परसेंट समाज है उसको इन चीजों से खास मतलब नहीं है जिनको हम सोच बहुत तरह के ये करते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं है मास्क नहीं लगाते वगैरह 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 तो मैंने कुछ इन इस तरह की बातों को आपके सामने रखा इन बातों को मैं मुझे लगता है ये जरूरी है कि इन बातों को हम अपने वैल्यू एजुकेशन में लाएं इस देश में नकल करने की जो प्रवृत्ति है उससे हम निजात पाए कौन सा विचार सही है कौन सा गलत है ये एक अलग प्रश्न है लेकिन विचार है ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चे को और ये ट्रुथ नहीं है ये ट्रुथ की कैटेगरी में नहीं आता आइडिया idea और आइडियल कुछ चीजों कुछ आइडियाज होती हैं दो आइडिया मे नॉट बी इन द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियलिटी और ट्रुथ फॉर इंस्टेंस आई कैन हैव एन आइडिया आई कैन फ्लाई बट आई कांट विदाउट अ मशीन बट आई कैन हैव एन आइडिया दैट आई कैन स्विम इवन दो आई डोंट नो हाउ टू स्विम आई कैन स्विम ये फर्क पता है क्या ये पता नहीं है हमारे बच्चों को और वो कहीं ना कहीं इन तरह की चीजों में बहुत तरह की चीजों में फंस रहा है और सारा का सारा अपना मूल्यांकन और अपनी सक्सेस का मूल्यांकन दिखने दिखाने वाले जगत में बैठ के कर रहा है अगर हम सचमुच में वैल्यू एजुकेशन की बात करना चाहते हैं तो उसका जो पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ द सेल्फ एंड ऑफ सक्सेस एंड अदर्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ये दिखने दिखाने वाली दुनिया से होने वाली दुनिया की ओर ये शिफ्ट होना चाहिए ऐसा मुझे मैं समझता हूँ तो मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद